नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस के जोश में मग्न है, तो वहीं अगर हम बात करें 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की इतिहास की, तो बता दें कि आजादी से एक साल पहले यह तय किया गया था कि भारत का एक संविधान होगा, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। तो आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। आज पूरा भारत 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आजादी से एक साल पहले ही 9 दिसंबर 1946 को तय हो गया था कि भारत का अपना संविधान होगा। इसके लिए संविधान सभा बनाई गई थी। 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चली बैठक के बाद भारत का संविधान बना। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान सभा को मंजूरी दी। 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया। आपको बता दें कि पहली परेड में 6 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस की पहली परेड शाम को निकली थी। पहली परेड इरविन स्टेडियम में हुई थी। 1955 से हर साल राजपथ पर परेड का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बाद चीफ जस्टिस हीरालाल कनिया ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। 72 साल पहले आज ही के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की जगह भारत का संविधान लागू हुआ था। वैसे तो भारत का संविधान बनाने का काम 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। संविधान सभा ने इसे मंजूर भी कर दिया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, इसीलिए 2 महीने का इंतजार कर 26 जनवरी 1950 को देश के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने भारतीय गणतंत्र की घोषणा की थी। आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 की सुबह परेड में जाबाजों ने धमाल मचाया और इस दिन परेड स्थल पर राष्ट्रपति को शाम के वक्त 21 तोपों की सलामी दी गई। 1950 में हुई पहली परेड में जनता को भी शामिल किया गया था। पहली परेड में 3000 जवान और 100 विमानों ने हिस्सा लिया था। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज 15। नमस्कार।